हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स मैट्रिक्स चैप्टर। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो वो तभी हो पाएगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। फर्स्ट मैट्रिक्स यानी आगे वाली मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स यानी पीछे वाली मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई हो पाता है। बट यहाँ पे हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो पाता है। मैंने पिछले शायद गलती से मल्टीप्लाई बोल दिया था। दो मैट्रिक्स को अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ। देखिए, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसकी कंडीशन है, फर्स्ट मैट्रिक्स आगे वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स, आगे वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स और बाद वाली मैट्रिक्स के सेकेंड मैट्रिक्स के रोस इक्वल होने चाहिए। यह कंडीशन है, आपको पहले ये चीज़ चेक करनी चाहिए। जब भी आप मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करेंगे मैट्रिक्स का, तो रिमेंबर आपको पहले ये चीज़ अप्लाई करनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स कॉलम्स, सेकेंड मैट्रिक्स के रोस दे शुड बी इक्वल, यानी कि आगे वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स और पीछे वाले मैट्रिक्स के रोस दैट शुड बी इक्वल। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स दे शुड बी इक्वल, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है मल्टीप्लाई के लिए। कंडीशन के बाद सीखेंगे हाउ मल्टीप्लाई करते कैसे। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज लेते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम्स लेते हैं तो और उनको इंटू कर देते हैं। मतलब मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला है वो रो इंटू कॉलम है। मल्टीप्लाई करने का जो फॉर्मूला है वो रो इंटू कॉलम है। ध्यान देना, फॉर्मूला रो इंटू कॉलम है, फॉर्मूला रो इनटू कॉलम है, लेकिन जो कंडीशन है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा वो ये है, आगे वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स और बाद वाली मैट्रिक्स के रोस, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। ये मेरे पास पहला एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। ये मैट्रिक्स है, इसका नाम ए है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, इसका नाम बी है। मुझे ए मैट्रिक्स को बी से इंटू करना है, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए। इस ए मैट्रिक्स में ये है रो वन रो टू, दो रो हैं, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, तीन कॉलम है। इसका साइज 2x3 है, 2x3, दो रो तीन कॉलम। इसको देखते हैं, रो वन रो टू रो थ्री, तीन रो हैं, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, तीन कॉलम है। अब इस मैट्रिक्स ए को बी से इंटू करना है, तो उसके लिए पहले आप ये कंडीशन चेक करें, आगे वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स और पीछे वाली मैट्रिक्स के रोस। ध्यान से देखिए, ये आगे वाली मैट्रिक्स है, इसके कॉलम्स देखिए कितने हैं, तीन, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, और पीछे वाली मैट्रिक्स के रोज देखिए, इसमें रो कितने हैं, इसमें रो कितने हैं, तीन, रो वन रो टू रो थ्री, इसमें तीन रो हैं। मैंने क्या बोला, आगे वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स और पीछे वाली मैट्रिक्स के रोज देखने हैं। आगे वाले में कॉलम्स देखने हैं वर्टिकल, एक कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, तीन कॉलम है। इसमें रो देखिए, एक दो तीन, तो आगे वाली मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो तीन है और पीछे वाली मैट्रिक्स के जो रो है वो तीन है। ये दोनों इक्वल हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई इज पॉसिबल। करते हैं, ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव टू इंटू बी मैट्रिक्स वन टू थ्री टू वन जीरो वन वन टू। इसका साइज 2x3 है और इसका साइज 3x3 है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। इन दोनों मैट्रिक्स का मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव टू इंटू वन टू थ्री टू वन जीरो वन वन टू। मल्टीप्लाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप लीजिए फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को इंटू कर दीजिए। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को
फर्स्ट कॉलम से, इसमें भी तीन नंबर हैं, इसमें भी तीन नंबर हैं, इनको करस्पॉन्डिंग इनटू कीजिए, मतलब पहला पहले से, बीच वाला बीच वाले से, आखिरी वाला आखिरी वाले से, इनटू करते हैं। वन वन ज़ा वन, बीच वाला बीच से, टू टू ज़ा फोर, लास्ट वाला लास्ट से, थ्री वन ज़ा थ्री, और सबको प्लस कर दीजिए एक ब्रैकेट के अंदर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब सेम फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, इसमें तीन एलिमेंट हैं, इसमें भी तीन एलिमेंट हैं। पहला पहले से, वन टू ज़ा टू, बीच वाले को बीच से, टू वन ज़ा टू, लास्ट वाले को लास्ट से, थ्री वन ज़ा थ्री, एक ब्रैकेट में। सेम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, वन थ्री ज़ा थ्री, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, थ्री टू ज़ा सिक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से किया, यहाँ लिख दिया, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से किया, यहाँ लिख दिया। अब मुझे फर्स्ट रो का अगले कॉलम से करना चाहिए, बट अगला कॉलम यहाँ पर है नहीं। एक रो का मल्टीप्लाई हर कॉलम से करा जाता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, और फिर फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम से भी करते हैं, अगर यहाँ पे आगे फोर्थ कॉलम होता तो। बट यहाँ पे आगे कॉलम्स नहीं है, इसका ये मतलब है कि फर्स्ट रो सभी कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई हो गई। तो अब हम रो चेंज करेंगे, सेकेंड रो लिखेंगे। जब सेकेंड रो से करेंगे तो नीचे की तरफ लिखेंगे, सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड रो पे, इधर पे। अब सेकेंड रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फोर फाइव टू का वन टू वन से, फोर वन ज़ा फोर, फाइव टू ज़ा टेन, टू वन ज़ा टू, ये प्लस करके लिख दिया। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे, फोर टू ज़ा एट, फाइव वन ज़ा फाइव, और टू वन ज़ा टू। सेकेंड रो का करेंगे थर्ड कॉलम से, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फाइव ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, और टू टू ज़ा फोर। फर्स्ट रो का भी हो गया, सेकेंड रो का भी हो गया, आगे कोई रो हमारे पास है नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई इज कंप्लीटेड। अब इसको ऐड करके आप लिख दीजिए, वन प्लस फोर प्लस थ्री एट, फोर प्लस टेन प्लस टू सिक्सटीन, टू प्लस थ्री सेवन, एट प्लस टू प्लस फाइव फिफ्टीन, थ्री प्लस सिक्स प्लस ज़ीरो नाइन, और ये सिक्सटीन। तो ये ए और बी का क्या आया, मल्टीप्लाई। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, जो ए मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर कितना था, दो रो थे और तीन कॉलम थे, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, थ्री बाय थ्री। मल्टीप्लाई किस बात पे हुआ था, इस मैट्रिक्स के कॉलम और इस मैट्रिक्स के रो इक्वल थे, तीन तीन, इसलिए मल्टीप्लाई हुआ था। बट अब मल्टीप्लाई होने के बाद, इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या है, आपने मल्टीप्लाई कैसे किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, एंड सो ऑन। तो आपने मल्टीप्लाई में फॉर्मूला क्या लगाया, रो इनटू कॉलम, तो आंसर भी वही आएगा ऑर्डर का। इसमें रो कितने थे, दो, तो इसमें भी दो ही रो आएंगे। रो इनटू कॉलम, इसमें कॉलम कितने थे, तीन, तो इसमें भी कॉलम कितने आएंगे, तीन। मतलब जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो फाइनल आंसर आएगा, इसमें उतने ही रो आएंगे जितने रो आगे वाले मैट्रिक्स में थे, और इसमें उतने ही कॉलम्स आएंगे जितने कॉलम्स पीछे वाली मैट्रिक्स में थे, क्योंकि फॉर्मूला था रो इनटू कॉलम। तो आगे वाले के रो, पीछे वाले के कॉलम, इसके रो दो, इसके कॉलम तीन, वही ऑर्डर इसका भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीप्लाई का। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल लेने की वजह है क्योंकि इससे डाउट जो आना होगा वो क्लियर हो जाएगा। सुनिए, दो मैट्रिक्स हैं, इसका नाम मैं ए रख लेता हूँ और इसका नाम मैं बी रख लेता हूँ। अब इन दोनों को इंटू करना है, ध्यान से देखें, इसका ऑर्डर देखिए, मैट्रिक्स बहुत छोटी सी है, इसका ऑर्डर देखिए, रो वन रो टू रो थ्री, तीन रो, कॉलम एक ही है, इसका ऑर्डर देखिए, एक ही रो है और कॉलम एक दो तीन है। अब मुझे ए और बी को इंटू करना है, क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएगा, चेक करते हैं।
मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या बताई थी? आगे वाली का कॉलम पीछे वाली का रो। आगे वाली का कॉलम देखिए कितना है, एक। पीछे वाली का रो कितना है, एक। आगे वाली का कॉलम पीछे वाली का रो, आगे वाली का कॉलम पीछे वाली का रो सेम है, मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। करते हैं मल्टीप्लाई, ए इंटू बी, 1 2 3 इंटू 1 1 2। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 3 बाय 1 साइज है, ये 1 बाय 3 साइज है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए ऑर्डर सेम हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे वाली का कॉलम और पीछे वाली का रो सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारा, रो इंटू कॉलम। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट है, तो एक ही। पिछली बार क्या था, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट थे और फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट थे, तो पहले का पहले से किया था, बीच वाले को बीच से किया था, आखिरी वाले को आखिरी से किया था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही बार में इंटू हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 ब्रैकेट। अब इसी फर्स्ट रो का करेंगे हम सेकेंड कॉलम से, 1 1 ज़ा 1। सेम फर्स्ट रो का करेंगे अब हम थर्ड कॉलम से, 1 2 ज़ा 2। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से किया, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से किया। आगे कॉलम नहीं है इसलिए हम रो चेंज करेंगे। सेकेंड रो में आएंगे, पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, लेकिन सेकेंड रो में लिखेंगे बीच वाले में। अब सेकेंड रो का करेंगे सेकेंड कॉलम से, तो 2 1 ज़ा 2, और सेकेंड रो का करेंगे थर्ड कॉलम से, तो 2 2 ज़ा 4। नाउ थर्ड रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 3 1 ज़ा 3। थर्ड रो का करेंगे सेकेंड कॉलम से, 3 1 ज़ा 3। थर्ड रो का करेंगे थर्ड कॉलम से, 3 2 ज़ा 6। ये हमारा आंसर आ गया, मैट्रिक्स ए भी आ गया। और मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई कब होगा, जब आगे वाली के कॉलम्स और पीछे वाली के रो सेम होंगे, 1 1 सेम थे, और उसका जो साइज़ आएगा वो देखिए, इसमें रो कितने आ रहे हैं, 1 2 3, इसमें 3 रो आ रहे हैं, कॉलम भी कितने आ रहे हैं, 3। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी का, तो ए के रोस और बी के कॉलम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वही इसमें भी आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं आगे बढ़ के। दो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें आप इसका नाम चाहें तो ए लेट कर लें, इसका नाम बी लेट कर लें, और इसका जो ऑर्डर है, रो इसमें 1 है और कॉलम इसमें 3 है। रो इसमें 3 है, कॉलम इसमें 1 है। अब इनको हम इंटू करेंगे। सपोज इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, 1 2 3, 1 2 1। मल्टीप्लाई का क्या फॉर्मूला बोला था मैंने आपसे, रो को इंटू करना है कॉलम से, तो आप फर्स्ट रो को इंटू कीजिए, फर्स्ट रो को, ये पूरा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को इंटू कीजिए फर्स्ट कॉलम से। और यहाँ पे एक चीज़ आपने फील की, फर्स्ट रो को इंटू करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो सारे एलिमेंट ही ख़त्म हो जाएंगे। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं, सेकेंड कॉलम ही नहीं है, ठीक है, तो नीचे वाले रो पे आता है, लेकिन इसमें सेकंड वाली रो भी नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई एक बार में ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, एक ही एलिमेंट आएगा, 1 प्लस 4, 5 प्लस 3, 8। ये हमारी हो गई मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, और इस मैट्रिक्स में रो भी एक है और कॉलम भी एक है, क्योंकि इसमें एक ही रो था और एक ही कॉलम था।